نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما

यहाँ पर एक हदीस मुफसल बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीन हदीसों का तस्करा है थोड़ा सा अल्फाज का फ़र्क है कि जब आप किसी की बीमार पुरसी करते थे तो अल्फाज के हल्के सी तब्दीली के साथ तीन दुआओं का तस्करा है हजरत अनस रज़ी रवायत से एक हदीस आती है के अन सजील तजी ताखिल हुए तो सबित रजील त ने फरमाया कि ए अबू हमज़ा सतनस की कुत है मैं बीमार हूँ तो अनः सजी त ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें नबी वम के दम से दम ना करूँ और उन्होंने कहा क्यों नहीं और फिर उन्होंने नबी वम के दम से दम किया आपने क्या फरमाया था अवा हम रबनासी मुसहबल्बास मसहब का मतलब होता है दूर करने वाला ले जाने वाला अशफ अंत शाफी शाफिया अलांत शफ़ा उल्ला दुरुसमा दूसरी जो हदीस हजत रज़ी अल्लाह तुन की रवायत से आती है कि नबी वसल्लम अपने बस घर वालों के लिए पना मांगा करते थे और अपना हाथ फेरते जाते थे और आप दुआ करते थे रोबन नासी अस बासी वहाँ पे मज़ब और यहाँ पे अजहब अजहब का मतलब है फेल आ, अमर है और इसमें रिक्वेस्ट है अल्लाह सुबह को और दूसरी तीसरी हदीस हजदाय शाह रज़ी तुन की रवायत से हदीस है कि आप फरमाते थे आ, कान यकू आप फरमाते थे इमस अब्बासी के अल्लाह सुबहाना तू ले जा तकलीफ़ को तो थोड़े से अल्फाज के फ़र्क से बुनियादी तौर पर अल्फाज क्या थे कि ए लोगों को पालने वाले रबन्नास का गया ना कि लोगों को पालने वाले तू सख्ती को ले जा और शिफा दे दे क्योंकि तू ही शिफा देने वाला है और तेरे अलावा कोई और शफा देने वाला नहीं और ऐसी शफा दे के बीमारी को ना छोड़े बीमारी को ना छोड़े ला युगा दे सकमा कि बीमारी का कोई नाम निशान भी ना छोड़े तो ये वो दुआ हैं तीन दुआएं, मुख्तलिफ़ अलफा से हल्के से अलफा के फ़र्क के साथ पता चलती हैं हदीस नंबर 1977। सेवन। हज़रत आयशा हज़रतशा रज़ी अल्लाह तहाँ की रवायत है कि आप सलाम बीमार के वास्ते क्या कहते थे कि झाड़ पोंख में ये मिट्टी है हमारे ज़मीन की साथ हमारे लब के और हमारे बाज शफा पाते हैं हमारे बाज़ के शफा पाते हैं हमारे बीमार तो लिहाजा यहाँ से पता चलता है कि आप मिट्टी और अपने लाआब तहन दोनों का तस्करा करते थे अल्लाह के रसूल सल वम के दम का तरीका मुस्लिम की एक रवायत में पता चलता है कि आप वाले जब किसी बीमार के पास या किसी ज़ख्मी के पास जाते थे तो आप वाले अपनी शहादत की उंगली को ज़मीन पर रखते थे और उठाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप ये दुआ पढ़ते थे और फिर आप पोंख भी मारते थे और लब भी डालते थे और इमाम नबी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी तरीका था कि आप अपनी शहादत की उंगली के साथ लब लेते थे और फिर उसको ज़मीन पर रखते थे और उस मिट्टी को जिसम के उस हिस्से पर मलते थे क्योंकि मिट्टी के अंदर भी शफा के अनासर मौजूद हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें नबी सल्ह्ल वम और मदीना के लिए खास थी कि मिट्टी को लेकर ज़ख़म पर या जिसम पर बीमार के उज पर मलना ये कुछ के नज़दीक एक मदीना की मिट्टी के लिए ख़ास हैं और लुआब का भी होना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस है इसी तरह आ, दम करने और थूकने के हवाले से वो एक और हदीस भी हमें पता चलती है झाड़ने के हवाले से कि हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह रिवायत फ़रमाते हैं कि नबी सलिम से सुना कि अच्छी ख़्वाब हाँ अल्लाह की तरफ़ से है और बुरा ख़्वाब शैतान की तरफ से है सो जब कोई ख्वाब में बुरी चीज़ देखे तो उसे चाहिए कि थूके तीन मरतबा जब वो जागे यानी अगर कोई बुरा ख़्वाब कोई डरावना ख़्वाब कोई शर या फितने का ख़्वाब देखा जाए तो उसको अपने बाई जानब तीन तरफ थूकना है जब जाग आए और उसकी बदी से पना मांगे सो बेशक वो उसको ज़र्र नहीं करेगा यानी अगर ये तरीका अपनाया गया और एक बुरा ख़्वाब देखा तो वो बुरा ख्वाब कोई बुरी ताबीर नहीं लाएगा अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का ये तरीक़ा अपनाया गया और अबू सलमा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं ख़्वाब में अपने ऊपर पहाड़ से भी ज़्यादा भारी चीज़ जब देख लेता था और मैं ये तरीक़ा अपनाता था तो मैं इसकी बदी की परवाह नहीं करता था तो गोया बुरा ख़्वाब देखें और नबी वसल्लम की हदीस के मुताबिक यह तरीक़ा अपनाएं तो फिर बुरे ख़्वाब की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है इसी तरह नबी अलैहि वसल्लम के सोने की सुन्नत पता चलती है कि आप दम करते थे और हाथ के ऊपर फूंक मारते थे गोया दम में कुरान की आयात का पढ़ना और हाथ पर फूंक मारना और यहाँ फूंक मारना और फिर हाथ का मलना ये तीनों चीजें दम में शामिल है सुन्नत रसूल वसल्लम से आयत का पढ़ना फूंक का मारना और हाथ का मलना ये तीनों चीजें दम में शामिल हैं हज़रत रजी अल्ला की रवायत से है कि नबी सल्लि वम का दस्तूर था कि मुफस्सिल बुखारी में है आपकी किताब भी नहीं है कि जब आप बिस्तर पर ठिकाना पकड़ते थे यानी जब आप सोने के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो आपद पढ़ते थे मुज़ा तैन पढ़ते थे और फिर अपने दोनों हाथों पर दम करते थे यानी अपने दोनों हाथों पर फूक मार देते थे और फिर आपली वसम इनको अपने मुँह पर और जहाँ जहाँ आपके हाथ अपने बदन तक पहुँचते थे तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ऐसा ही अमल अपनाया तो लिहाजा ये दम का प्रोसाइज तरीका जो आपने अपनी ज़ात के लिए भी मुंतखब किया इसी तरह एक और हदीस आती है कि आप हाथ का फेरना दम करते वक्त हाथ का फेरना हदीस हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की रिवायत से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार के पास तशरीफ़ ले जाते थे तो पना मांगते थे और अपना दायां हाथ उस पर फेरते थे और आप दुआ करते थे कि दूर कर दे सख्ती को आदमियों को पालने वाले और शिफा दे तेरी शिफा के बग़ैर कोई शिफा नहीं और ऐसी शिफा दे कि बीमारी को छोड़ दे गोया हाथ का मलना भी और कौन सा हाथ मला जाएगा दाया हाथ मला जाएगा इसी तरह एक औरत भी मर्द को दम कर सकती है क्योंकि हम दम के तस्वूर देख रहे हैं एक ख़ातून भी अपने महरम मर्द को दम कर सकती है हवाला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अल्ला की हदीस से के हवाले से आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरम करते थे अपनी जान पर मुआवजात के साथ उस बीमारी में जिसमें आपका इंतकाल हुआ और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी की शिद्दत हुई तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ दम करती थी और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ आप के बदन पर फेरती थी तो गोया एक खातून अपने महरम रिश्ते के मर्दों को दम कर सकती है ये दम करना सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है खातून भी दम कर सकती है मर्द अपनी महरम औरतों को कर सकते हैं और खातीन अपने महरम मर्दों को भी कर सकती हैं इसके बाद हमने बदशगोनी के हवाले से क्योंकि कुछ अहदीस हमने पढ़ी थी जिसमें सारी चीज़ों का दस्करा किट्ठा था तो अब अलग अलग अहदीस के हवाले से एक बाब है बाब तवयराती बदशगोनी का बयान और इसमें बहुत सी अदीस आ गई हैं लेकिन आप सलाम आलिम नेदीस में है कि कोई शगुन नहीं है और बेहतर शगुन जो है वो नेक फ़ाल लेना है और हज़रत बिन उमर रजी अल्लाह तआला से बहीकी की हदीस आती है कि आप सल्हल वसम फ़रमाते फ़रमाते हैं, हैं wrote, इला वला अल्ला तरा तई रका अल्ला तो रखा अलाक रख अल्ला तेरेवा कोई बदशगोनी नहीं और तेरे इलावा कोई ख़ैर नहीं और तेरे इलावा और किसी का कोई इख्तियार नहीं बाब नंबर सोलह फ़ाल के बारे में हदीस नंबर 1968 सिक्सटी है या 78 78 हजरत एट हज़रत रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शगुन बद लेना बेहकीकत है कल हमने शगुन के बारे में बड़ी वजाहत से बात की ये बेहकीकत है यानी बुरा शगुन लेना या किसी चीज़ के साथ बुराई को या तकलीफ को या शर को या मुसीबत को मंसूब करना इसकी कोई हकीक़त नहीं है और बेहतर शगुन नेक फ़ाल लेना है और कहा गया फ़ाल लेना क्या है तो आपने फरमाया नेक बात कि इसको कोई सुने यानी बदशुनी नहीं लेनी चाहिए नेक फ़ाल लेना चाहिए और नेक फ़ाल क्या है कि किसी की खैर की बात और कोई अच्छी बात सुनी जाए हज़रत अब्दुल्ला बिन अबाश के पास इक्रमा बताते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ल बिन नबाश के पास था और उनके पास से एक परिंदा गुजरा और परिंदे ने चीखा तो एक मर्द ने कहा कि यह तो नहुसत की है तो हजरत इबिन अबास ने फरमाया कि ना इसके पास खैर है और ना इसके पास शर है तो परिंदों का गुज़रना या कोई बदफाली या बदजगोनी का कोई तस्वुर नहीं है इसी तरह एक बाप है कोई हामा नहीं है हमने कल हदीस पढ़ी थी कि ना हामा है ना सफ़र है ना शगुन है तो हामा किसे कहते हैं हामा कहते हैं कुछ परिंदों को एक जानवर को कि उसकी आवाज़ जो है वो ख़ास शक्ल में जब आती है तो उसको मनहूस समझा जाता है और अक्सर आवाज़ जो है ये उल्लू की आवाज़ के हवाले से उल्लू के साथ भी नहूसक को मंसूब किया जाता है और अरबों के यहाँ जालियत के दौर में हामा मुर्दों की हड्डियों को भी कहा जाता था और उनके नज़दीक ये तसवर था कि मुर्दे की हड्डियाँ जो हैं वो निकलती हैं और फिर वो उड़ती हैं और फिर वो नहूसत लाती हैं तो हामा के दो तीन मतलब आते हैं एक तो किसी परिंदे या जानवर की आवाज़ जिसके साथ नहूसत को मनसूब किया जाता था उल्लू को भी हामा कह के मनहूस कहा गया है और या मुर्दों की हड्डियाँ जो उड़ के अपना इंतकाम या बदला लेती हैं उनको भी हामा कहा गया है बाब नंबर सेवेंटीन कहानत का बयान कहानत किसको कहते हैं जादू टूना कहानत और मंत्र मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जाऊँगी क्योंकि सूरा बकरा में हम जादू के हवाले से बहुत वजाहत से बात कर चुके हैं और वैसे भी हम हदीस में भी इस पर बात कर चुके हैं आपको पता है कि जादू जिनात के ज़रिए भी होता है और जादू मंतर के ज़रिए भी होता है और जिनात के ज़रिए जो जादू होता है ये वो है जो आमिल जिनके कब्ज़े में शरीर और गुनाह गार काफिर जन्नात जो इन आमिलों के कब्ज़े में हैं जो मुख्तलिफ वो अल्लाह के कलाम की गुस्ताखी और गंदगी और पलीतगी और नापाकी और तहारत और अल्लाह की सरकशी और नाफरमानी की हालत और अमलियात की वजह से इन जन्ात को काबू करते हैं तो एक तो वो असर उसके ज़रिए से करते हैं और दूसरा जो है वो मंतर के ज़रिए और यह आपको पता है कि जिन और जादू के असर के लिए एक शख्स का अल्लाह की नाफरमानी की हालत में होना और गंदगी की हालत में होना गु़स्से की हालत में होना और शदीद खौफ की हालत में होना तो इन हालतों में जादू का कहानत का और जन्ात का असर जो है वो ज़्यादा होने का इम्कान है और इलाज के लिए और बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर और जैतून और इसी तरह वो काले दाने जिनका तस्करा हम पीछे भी पढ़ चुके हैं और कलव और इसी तरह जैतून का तेल वगैरह और बारिश का पानी और दूसरा जो सारा दम का तरीका हम देख चुके हैं सूरा फातेहा है आयतुल कुर्सी है और फिर सूरा तोह की सूरा यूनस की कुछ आयात और फिर सूरा तारिक और सूर्य मुज़म्मिल का पढ़ना और अब्बल आखिर दरूद पढ़ना ये सारा तरीक़ा वो दम और रुखिया का हम बढ़ चुके हैं कैसे है कि कैसे ये सब पढ़ के फिर दम किया जाता है उस उस कलौंजी पर भी खजूरों पर भी जैतून पर भी जैतून के तेल पर भी पानी पर भी पानी को पीने के पानी में शामिल कर लिया जाता है और फिर पानी के साथ छींटे जो हैं वो घर में लगाए जाते हैं और या फिर उस पानी को बेरी के पत्तों सात बेरी के पत्ते लेके उनको कुचल के और यहाँ उनको पानी में उबाल के उस पानी को दम वाले पानी में मिला के सात दिन या चौदह दिन या इक्कीस दिन अच्छी तरह से गसल किया जाता है और ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं ये वो पानी जो है वो जिसम पे ख़ास तौर पर जिसम की पुष्ट और रीढ़ की हड्डी और सर और बैक की पुष्ट पर ज़्यादा डाला जाता है और ये गसल जो है वो सात चौदह या इक्कीस दिन ये अमल किया जाता है और ये इब्ने अब्बास के पैदावर से भी मौजूद है ये तरीक़ाक और अगर जादू है तो उसका असर अच्छा जाता रहेगा तो कहानत के हवाले से हदीस नंबर नाइनटीन सेवनटी नाइन हजरत अब हुरर रज़ी अल्लान की रवायत से है के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया कबीला हुजैल की दो औरतों को जो आपस में झगड़ी यानी कबीला था उसकी दो औरतों का आपस में झगड़ा हो गया एक ने दूसरी को पत्थर मारा उसके पेट में लगा हालांकि वो हामला थी सो उसने उसके पेट के बच्चे को मार डाला वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झगड़ते हुए आई सो उसने सो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उसके पेट के पेट के बच्चे की दियत एक बर्दा है यानी ग़ुलाम या लॉन्डी है हम कल भी ये बात देख चुके हैं कि जब कफ़ारे में ग़ुलाम देना है या दियत में ग़ुलाम देना है तो वो लौंडी भी हो सकती है और ग़ुलाम भी हो सकता है और वो बालिग भी हो सकता है और वो नाबालिग भी हो सकता है तो यहाँ पे दियत में आपने फरमाया कि उसकी एक दियत एक बर्दा है यानी ग़ुलाम और लौंडी उस बच्चे के इवज़ में उसको ग़ुलाम और लौंडी दी जाएगी तो उस औरत ने कि जिसके वली ने जिस पर तावान डाला गया था उसने कहा ये तावान क्यों जिस उस बच्चे के लिए क्यों जिसने ना खाया है ना पिया है ना बोला है ना चला है ऐसे का बदला तो अबस है यानी उसके लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है ना कि वो दुनिया में आया ही नहीं और माँ के पेट में ही वो फौत हो गया तो उसने खाया पिया कोई इंसानों वाले अमल नहीं किए तो लिहाजा उसके लिए खून बहा नहीं है तो इस पर आप ने फरमाया उसके लिए कुछ नहीं कि ये तो कहनों का भाई है तो ये शख्स जिसने इस मुर्दा बच्चे की दियत देने से इनकार किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीयत का तरीक़ा बताया था उसको मानने के ख़िलाफ़ बहस और तकरार और दलील का तरीक़ा किया और कीलोकाल का तरीक़ा किया आपने उसको नापसंदीदगी के तौर पर क्या कहा कहनों का भाई है गोया कहानत की नापसंदीदगी जादू टूने की नापसंदीदगी काहिनों की पसंदीदगी और फिर ये भी पता चल रहा है कि जो बच्चा माँ के पेट में अगर किसी की ज्यादती या ज़ुल्म की वजह से मार दिया जाए तो उसकी दीयत वाजिबुल अदा है जन बच्चा जनन बच्चा अगर किसी के ज्यादती की वजह से कत्ल कर दिया जाए उसको मार दिया जाए तो उस कया उसकी दीयत वाजबुल अदा है मारने वाले पर उसका कहसास दिया जाएगा इसी तरह एक मफसल बुखारी में हदीस है जिसको पढ़ना ज़रूरी है हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह से तवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत कुत्ते की कीमत हराम कार औरत की खर्च और काहिन की शेरनी से बना किया काहिन के हवाले से तो इसलिए इसको इस बाब में रखा गया है कुत्ते की कीमत खाने से आपने मना किया कुत्ते की कीमत खाना हराम है कुत्ते को ख़रीदना कुत्ते को बेचना हराम करार दिया गया है आपको मालूम है कि कुत्तों को सिर्फ तीन मकासद के लिए रखने की इजाज़त है शिकार के लिए हिफाजत के लिए और गल्ला बानी के लिए यानी चरवाहे जो अपने शेपड डॉग वग़ैरह रखते हैं तो गल्ला बानी के लिए हिफाजत के लिए और शिकार के लिए और इन मकाद के लिए वो घर के अंदर नहीं रहता है वो घर के बाहर रहता है तो इन मकाद के लिए तो कुत्ते को रखा जा सकता है लेकिन इनके अलावा कुत्ते को घर में रखा भी नहीं जा सकता हमें हदीस से पता है कि जिस घर में जिस घर में कुत्ता और तस्वीर है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता और तस्वीर है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते तो लिहाजा कुत्ते को बेमकसद रखना भी मना है और कुत्ते को ख़रीदना बेचना उसकी कीमत खाना लेना देना हराम है ये जो पिडगरी डॉग्स पाले जाते हैं फिर उनको बेचा जाता है और बहुत महंगे कीमतें और नर्ख वसूल किए जाते हैं ये कारोबार हराम है और इसी तरह हरामकारत की आमदनी और हदीस में हमें पता चलता है कि ने एक जानिया औरत एक जानिया औरत कबागिरी करने वाली और प्रॉस्टिट्यूशन करने वाली ख़ातून जो है उसकी आमदनी को आप अलैहि वसल्लम ने शरलम से बदतरीन आमदनी करार दिया है इसको हराम भी करार दिया हदीस ने और इसको शरुल शरुलमक़ बदतरीन आमदनी करार दिया आपको पता है ना कि उस दौर में तो लोग ये करते थे कि लोंडियाँ रख लेते थे और वो चकले बनाते थे और कबागिरी के अड्डे बनाते थे और अपनी लॉन्डियों को मजबूर करके ज़िना और कबागिरी पर मजबूर करके उनकी आमदनी खाते थे तो आपने इसलिए इसको मना किया और आपने यहाँ तक ये फरमाया हदीस के अल्फाजें कि एक मालिक अपनी और अपनी लोंडी से हाथ की खिदमत और आपने हाथ के साथ ऐसा इशारा किया कि जैसे रोटी वग़ैरह पकाने या आटा गूंदने या घर के जो मेहनत मजदूरी के काम है ना उसके अलावा उससे कोई और ख़िदमत मुआवजे के एवज़ नहीं ले सकता कि उसे ये नहीं कह सकता कि मैंने तुमसे इतना पैसा लेना है और बस तुम जैसे मर्ज़ी इसको कमा के लाओ कि वो जिन और कबा, कबागिरी पर मजबूर हो तो लिहाजा हराम का औरत की आमदनी और काहन की शेरनी से मना किया यह आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि ये लोग जो जादू टूने और कहानतें वग़ैरह करते हैं ये मीठी खुराक और मीठी चीज़ से करते हैं और आपने कुछ लोगों से सुना भी होगा कि किसी को किसी से जादू वगैरह का डर हो ना तो वो बताने वाले कह देते हैं कि उसकी दीवी मीठी चीज़ मत खाना ये इसीलिए हदीस भी उसकी तस्दीक करती है कि मीठे खाने के अंदर ये कहनों की शीरीनी जो होती है उसके अंदर उनका वो झाड़ फूँख और उनके वो शर्किया कलमात और उनके जादू के मंतर हैं जिसकी वजह सिंह के असर ज़्यादा मुरतब होते हैं तो लिहाजा इससे भी आप सल्ह वसम ने मना फरमाया कहानत के हवाले से नबी की हयात तयबा में जो आप पर जादू और सहर हुआ उसका वाक्य हदीस में बुखारी में आता है वो वाक्य आप पहले सुन चुके हैं लेकिन आज हदीस में वाकया कैसे आता है उसको पढ़ लीजिए ताकि तस्दीक हो जाए कि ये वाक्य सही हदीस से साबित है हज़रत रजील् तै से रवायत है आपकी किताब में नहीं है मुफ़ल बुखारी में हज़रत रजील् तै से रवायत है कि बनी ज़ुराक के कबीले में एक मर्द जिसका नाम लबीद था कबीला कौन सा है बनी ज़ुरैक और उस शख्स का नाम क्या है लबीद उसने नबी सला जादू किया अक्सर रवायत में आता है कि लबीद की बहन ने जादू किया था लबीद की बहन ने जादू किया था क्योंकि हमें मवज़ा तैन में क्या होता है गिरहों पर फूकें मारने वालियाँ तो वो ख़ातून थी जिसने जादू किया था और कुछ में आता है कि दोनों भाई और बहन ने मिल के ये मामला किया लबीद था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू किया यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल होता था कि आप कुछ चीज़ करते हैं हालांकि आपने उसको नहीं किया होता था कि आपको लगता था कि मैंने एक अमल किया है हालांकि आपने वो काम नहीं किया होता था यहाँ तक कि जब एक दिन या एक रात हुई हज़रत हज़रतशा फ़रमा रही हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास थे लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की फिर फ़रमाया कि ए आयशा क्या तूने जाना कि बेशक अल्लाह ने मुझे हुक्म किया जिसमें मैंने उससे हुक्म तलब किया यानी मेरी दुआ कबूल की गई और जादू का हाल बताया गया कि मेरे पास दो मर्द आए यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी कुछ तकलीफ़ की कैफियत थी कि जैसे कुछ हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं अंदर से घुलता जा रहा हूँ और दूसरा यह कि मैं एक काम नहीं किया होता था मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैंने किया है कि नहीं किया और फिर जब यह कैफियत तो आप आपल्ह अपनी महसूस कर रहे थे तो फिर आपने अल्लाह व तआला से दुआ की और फिर आप आपल्ला हज़रत आयशा रज़ी रजील तहा के हुजरे में सोए और फिर आपको ख्वाब आई कि अल्लाह व तआला ने मेरी दुआ कबूल की और जादू का हाल बताया मेरे पास दो मर्द आए सो so, एक ने मेरे सर के पास बैठा और मेरे पाओं के पास सो so, एक ने अपने साथी से कहा क्या ये दर्द है इस मर्द को यानी इसको क्या है तो दूसरे ने जवाब दिया कि नहीं इस पर जादू किया गया उसने कहा इसको किसने इसको क्या जादू किया गया कहा लबीद आसिम की बेटी ने उससे कहा कि किस चीज़ में जादू किया उसने कहा कंगी में और उनके बालों में आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यहूदी बच्चा था जिससे मुहे मुबारक जो है वो लिए गए थे उनके बालों में जो कंगी से झड़े थे और नर छुआरे की बाली के गिलाफ़ में उसने कहा कि ये कहाँ रखा है तो दूसरे ने कहा ज़ी रवान के कुएं में सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलम चंद सहाबा इक्राम को इस कुएं पर तशरीफ़ ले गए इस कुएं में से निकाला उसी वक्त आपको सेहत हासिल हुई और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया कि आयशा अलबत्त इस कुएँ का पानी जैसे मेहंदी भगोया हुआ पानी था कैसे था सुरख हुआ हुआ था ऐसे जैसे किसी का खून है ना उसमें जैसे मेहंदी का भगोया पानी था या उसके खजूर के दरख्त और साथ ये भी कहा कि उसके खजूर के दरख्त जैसे शैतानों के सर थे मैंने कहा नबी वसल्लम वसम आपने इसको ज़ाहिर क्यों नहीं किया तो नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी सो मैंने बुरा जाना कि मैं लोगों को फितना अंगेजी में करूँ सो आपली वसलम ने साथ इसको जो वह सारा जादू का वह सारा कुछ था आपने उसको दबा देने का हुक्म दिया और फिर उसको दबा दिया गया को सदीस से इस अदीस से ये पता चलता है कि जादू बरहक है जादू हो सकता है बरहक का मतलब ये नहीं कि इसको करना हक़ और जायज़ है यानी इसका होना दुरुस्त है हो सकता है किसी पर भी हो सकता है सिर्फ़ अल्लाह के गुनाहारों नाफरमानों काफिरों काफरों मुशों सरकशों ना के ऊपर नहीं किसी पे भी हो सकता है तीसरी बात जादू के तोड़ का तरीक़ा कुरान की आयत ही से होगा अल्लाह के कलाम ही से होगा अल्लाह की दुआ अल्लाह की हाजत रही और दम ही के तरीके से होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नहीं है लेकिन इसके साथ मिलती जुलती हदीस है कि हज़रत जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और आपको फिर सूर्य नास और सूरा फलक पढ़ाई गई और कुरान में हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आयत पढ़ते जाते थे और फूंक मारते थे और गिरा खोलते थे और आपको ऐसे लगता था कि आपकी बंदिश खुलती जा रही है और जब सब गिरें खुल गईं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल शिफा याब हो गए तो गोया जादू के तोड़ के लिए कुरान की आयात से ही इलाज करवाया जाएगा कुरान की आयत पढ़ी जाएंगी फूंका जाएगा दम किया जाएगा और फिर ये कि वो जो वो जो तावीज़ है या वो जो जादू की कोई चीज़ है उसको क्या किया जाएगा उसको दबा दिया जाएगा उसको दबा दिया जाएगा बहुत दफ़ा लोग आपसे ये सवाल करेंगे तावीज मिले हैं पुतला मिला है इसका क्या किया जाए तो कुछ के नज़दीक तो यह है आयमा की राय कि उसको बहा दिया जाता है लेकिन यहाँ पर आप बुखारी की हदीस में नबी सला वसम ने उसको दबा देने का हुक्म दिया नर्क खोचे का वो एक बाली सी थी जिसके अंदर एक पुतला था और उसमें वसल्लम के जिसमें मुबारक का एक अक्स था और उसके अंदर सुइयाँ जो हैं वो चुभ हो गई थी तो लिहाजा उसको दबा दिया गया तो ये जादू के मामले के साथ किया जाएगा और जादू जो है वो बालों वगैरह पर भी होता है इसीलिए बहुत से लोग आपने हदीस में ये हवाला देखा होगा कि बालों को फेंकने से मना किया गया है क्योंकि इसके अंदर एक बितने और एक जादू और कहाानत का इमकान है ये भी हमें हदीस से पता चलता है कि इस खजूर की बाली में आपकी तस्वीर पाई गई थी और उसमें सुइयां गाड़ी गई थी और उन पर गिरें बांधी गई थी और हजरत जबरील के कहने पर आप ये गिरें खोलते जा रहे थे इसी तरह सैद सैयद बिन मुसैब से रवायत है कि अगर मर्द को जादू हो जाए या रोका जाए अपनी औरत से यानी अगर जमा ना कर सके तो क्या इसके जादू की गिरा खोली जाएगी क्योंकि ये जादू में से एक बदतरीन जादू हैं जो अगर रजवाज पर कर दिया जाता है कि जिसकी वजह से वो आपस में जिसमानी काबिल नहीं रहते और ख़ास तौर तो पर ये शहरों पर किया जाता है तो यहाँ पर इस बाब से पता चल रहा है तो क्या उसके इलाज किया जाएगा हज़रत रजी अल्लाह तह से रवायत है कि नबी वम को जादू हुआ यहाँ तक कि आप ख्याल करते थे कि आप अपनी औरतों से सहबत करते हैं हालांकि उनसे नहीं कर सकते थे तो गोया ये इस किस्म का भी जादू था जो आपली पर था और इसका भी तोड़ किया गया और इसका तोड़ करना मुमकिन है करना चाहिए भी और करना मुमकिन भी है लेकिन कैसे कुरान की आयात से बाब नंबर एटीन बाज़ बयान जादू होते हैं जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जादू जिन्नात की सरगर्मी से भी करवाया जाता है जादू का असर और कुछ मंत्र के जरिए भी किया जाता है तो हदीस के अल्फाज हैं हदीस नंबर 1918। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तवायत है कि दो मर्द मशि की जानब से आए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुतबा पढ़ा सो लोगों को उनकी खुश बयानी से ताज्जुब हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक बाज़ बयान तो जादू होते हैं यानी कुछ लोगों का बयान करने का अंदाज़ ही ऐसा होता है कि उसमें एक तिलिस्माती एक एक सेहर होता है और एक मैजिकल उसके अंदर असर होता है तो गोया इसी से मंत्र का भी अपनी कहानत का असर मंत्र में होने का भी जवाब मिलता है इसी तरह एक बाब है दवा करना जादू का अजवा खजूर के साथ हदीस है हजरत की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हर सब सुबह को जो हर सुबह हर दिन अजवा खजूर खाएगा तो उस दिन कोई जहर और जादू जरर नहीं करेगा रात तक इस हदीस में सुबह के वक्त सिर्फ़ अजवा खजूर खाने का तस्करा है और उसके साथ हिफाजत किससे है जहर से भी और जादू से भी लेकिन एक और हदीस है हजर साध ही की रवायत से कि आपने फरमाया कि जो सुबह को सात अजवा खजूर खाएगा तो गोया एक हदीस में सिर्फ अजवा खजूर के अल्फाज हैं और एक हदीस में सात अजवा खजूर के अल्फाज हैं बहरहाल ये हम जानते हैं कि ऐसी चीजें जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी हैं और आपकी सुन्नत में भी हैं तो आप ताक की गिनती में करते थे तो अगर सात ना भी की जाए तो या एक होगा या तीन होगा या पाँच होगा या सात होगा लेकिन ये के ताक में करना नबी अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ज्यादा साबित है बाब नंबर उन्नीस एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती ये वो है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं आप ने हदीस में फरमाया हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह की तवायत से कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सी मेडिकल एल्सिस हैं जो इंसान के अपने जिस्म के आसा की खराबी की वजह से होती हैं वो सिर्फ उस तक ही रहेंगी उसकी आदत करने वाले को उसकी वो बीमारी ब्लड प्रेशर शुगर ये सारी बीमारियाँ एक से दूसरे तक मुंतकिल नहीं होती हैं एक की बीमारी दूसरे को नहीं लग जाती अब सलमा आ, रावी से फरमाते हैं कि अबू हुरर रजी अल्ला ने सुनते हुए ने सुना कहते हैं कि नबी व फरमाया कि जिसके जानवर बीमार हों तो वो उस घाट पर पानी पिलाने को ना लाए जिसके जानवर तंदुरुस्त हों अबू हुरर से तवायत है कि नबी व फरमाया कि एक की बीमारी दूसरे को नहीं लग जाती तो एक गंवार उठ खड़ा हुआ उसने कहा भला बताओ तो कि ऊंट रेतीली ज़मीन में होते हैं मानंद हिरन की यानी सही सालिम ठीक ठाक होते हैं और उनमें ख़ारिशदार ऊट आता है और सबको ख़ारिश दार कर देता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले ऊंट को किसने ख़ारिश दार किया था तो गोया एक की बीमारी दूसरे को ना लगने के हवाले से यानी बीमारी अल्लाह के हुक्म से आती है बाब नंबर बीस पीना जहर का खौफ से यानी मौत के मौत को हासिल करने के लिए जहर को पीना ये ख़ुदकुशी का तस्वुर है हदीस नंबर 1982 एटी टू हज़रत अबू हुरर रज़ी अल्लाह तवायत है कि नबी सरमाया कि जिसने यहाँ पर ख़ुदकुशी करने वाले की सज़ा बताई जा रही है आपको पता है मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इंसान की जान एक तो अल्लाह की नमत भी है और अमानत भी है ख़ुद से ख़ुद अपनी जान को हलाक करने और ख़ुदकशी करना हराम है हराम है बल्कि यहाँ तक हमने एक चाप्ट एक बाब में देखा था कि आप सल्हल सब ने फरमाया था कि मौत की तो दुआ मांगने की भी इजाज़त नहीं है कोई सिर्फ इतनी दुआ मांगेगा कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक मेरे लिए ज़िंदा रहना बेहतर है और मुझे उस वक्त मौत दे जब तक मेरे लिए मर जाना बेहतर है तो मौत की तो दुआ भी करने की इजाज़त नहीं है खुदा ये कि खुदकुशी की जाए तो यहाँ ख़ुदकुशी करने वाले की सज़ा बताई जा रही है अंजाम मैदान हशर में क्या होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने आप को पहाड़ से गिरा के मार दिया पहाड़ से गिराया किसी बिल्डिंग से गिराया अब बहुत दफ़ा सुनती हैं कि वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से कोई ऊपर गिरा और वो मर गया तो जिसने अपने आप को पहाड़ से गिरा कर मारा वो दोजक की आग में ऊंचे मकानों से हमेशा गिरता रहेगा यानी यह उसको यही सज़ा दी जाएगी कि उसको बार बार एक ऊंची मकान पर जाके गिरने की सजा दी जाएगी उसमें हमेशा रहेगा जो जहर पी कर अपने जान को मारेगा तो उसके हाथ में जहर रहेगा और दोजा की आग में हमेशा उसको पिया करेगा जो अपनी जान को लोहे के हथियार से मारेगा यानी तलवार से या लटक के मरेगा या पिस्टल के साथ फायर करेगा लोहे के हथियार से मारेगा तो उसके हाथ में वो दोज के उसके हाथ में वो आला होगा और वो दोज की आग में सदा अपनी पीठ में उसको फूका करेगा तो लिहाजा वही बात जो मैंने आपको उस दिन बताई थी कि जिस आले से जिस अंदाज से जिस तरीके से किसी शख्स ने खुदकुशी की होगी उसको जहनम में आग के अलावा दूसरी सजा क्या होगी कि उसको कहा जाएगा कि बार बार वो उसी तरह खुदकुशी करता रहेगा और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक दफ़ा ख़ुदकुशी करना ही कितना साइकोलॉजिकल इमोशनल फिजिकल हर किस्म का प्रेशर और टेंशन और वह सारे का सारा एक बोझ होता है लेकिन उसमें से उसको बार बार गुजरना पड़ेगा क्योंकि उसने अल्लाह के उस हक़ को अपने हाथ में लेने की बाब बाब है नंबर कि जब पानी के बर्तन में मक्खी गिर जाए जाए तो क्या किया कि लोगों को समझ भी नहीं आती और बहुत भी होता है हदीस नंबर अब हुरहरा रजी अल्लासे रवायत है फरमाया जब किसी पानी के बर्तन मेंिक्विड में आपको पता है लिक्विड क्यों कहा जा रहा है क्योंकि सॉलिड में तो वैसे ही चीज़ बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं होती ना वो तो वैसे निकाल के फेंकी जा सकती है लेकिन लिक्विड और गीली चीज़ में से सबसे फ्री फ्लोइंग लिक्विड पानी है और द मोमेंट उसके अंदर एक चीज़ गिरती है वो फ़ौर उसमें हल होके उसके अंदर फैल जाती है हलूल हो जाती है तो उसमें भी जब पानी के बर्तन में मिट्टी मक्खी गिर जाए तो चाहिए कि उसको तमाम डबो दे फिर उसको निकाल ले इस वास्ते कि उसके एक पर में शिफा है और दूसरे में बीमारी है और ये बहुत ही साइंटिफिक है है आज मेडिकल साइंसिस भी इस बात की तहकीक और तस्दीक करने के बाद इस बात को वेरीफ़ाई और प्रूव करती हैं आप देखें कि हमारी बॉडी में भी ये होता है आपने कभी सुना होगा कि किसी बच्चे को एक दफ़ा जब आ, कोई बीमारी जो बचपन की बीमारियां होती हैं जैसे किसी को काली खांसी हो जाती है या किसी को चिकन पॉक्स हो जाते हैं या किसी को मीजल्स हो जाते हैं तो वो क्या होता है दोबारा जिंदगी में नहीं होते क्यों नहीं होते क्योंकि उसके जिसम में उस बैक्टीरिया या उस वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ कुत मुदाफ़त करने वाले जो हैं जिसकी जिसम में पैदा हो जाते हैं और ये तो हम जानते हैं कि हमारे जिसम में एंटीबॉडीज़ और फ़ाइटिंग एजेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं तो मक्खी के जिसम में भी बिल्कुल इस तरह हैं आपको पता है कि मक्खी गलाजत के ऊपर फिरती है और अगर मक् गलाजत और बैक्टीरिया और जरासीम वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं तो अल्लाह ने उसके जिस्म की हिफाजत के लिए उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसे बनाई है कि जब वो किसी गंदगी की चीज़ के ऊपर बैठती है तो उसके जिस्म के जिस हिस्से पर वो गलासत और जरासीम लगते हैं उसके बाकी जिसम के अंदर उसके खिलाफ कुवत मुदाफ़त वाली एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं उसके जिसम की हिफाजत के लिए किया गया है, उसके एक पर के अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी एंटीबॉडीज उसके दूसरे जिसम के हिस्से में है और जो जरासीम इस हिस्से में है उसकी एंटीबॉडीज उसके दूसरे हिस्से में है। तो लिहाजा ये उसके अपने जिसम के अल्लाह रहमान है किस किस की हिफाजत करता है वो तो एक मक्खी के जिसम की भी हिफाजत करता है क्या मेरी और हमारे औलादों की हिफाजत नहीं करेगा अल्लाह तो है ही हिफाजत करने वाला अल्लाह हमारे ईमान हमारे इस्लाम हमारे दीन और हमारी और हमारी औलादों के आबरुओं इस्मतों इज़्ज़तों और रिस की हिफाजत फरमा और अल्लाह हमें हिफाजत के तरीके सिखा अल्लाह हमें शैतान की उकसाहटों से महफूज रख तो आप सल्ह ने फरमाया कि अगर एक पर उसने डुबोया क्योंकि मक्खी जब भी गिरती है तो साइडवेज होके गिरती है उसका एक पर गिरता है और जब उसका दूसरा पर भी उसमें भिगो दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा उसकी एंटीबॉडीज़ होगी और वो उसको फाइट ऑफ़ कर देंगी और वो सारी चीज़ें जो हैं वो उस दिखमिट में जो गई हैं वो उसको न्यूट्रलाइज़ कर देंगी लेकिन आम, सारा कुछ हदीस का जानने के बावजूद लोगों को ये काम करने में तरद बहुत होता है तो बात यह कि अगर आपका दिल मानता है तो कर लीजिए लेकिन अगर फिर भी मक्खी के गिरने के बाद कराहत है ऐसे में मैं आपको बताऊँ हमारा हुआ, दीन बहुत प्रैक्टिकल है और आप देखें कि एक शख्स इस घर में खाने पीने को पहले ही खाना और खुराक थोड़ी और एक दूध के प्याले के अंदर मक्खी गिर जाती है और वो दूध का प्याला शायद उस रात को सोने वाले बच्चे के लिए आखिरी प्याला दूध का है तो अब क्या करें उसको फेंक दें नहीं उसकी मक्की को दूसरी तरफ डाल के उस बच्चे को पिला दें हदीस पर अगर यकीन और तवक्कुल है तो फिर कुछ नहीं होगा लेकिन बहरहाल अगर अगर दिल नहीं मानता तो जैसे चूहे में घी में चूहे का गिरना जो था वो हदीस में हमने पढ़ी थी तो वो एक ऑप्शन एक लचक और एक उज़र बताया गया है अगर कोई इसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इसको और ख़ुराक को ज़ाया करने से बचना चाहते हैं तो बहरहाल वो इससे मुस्तफ़ हो सकता है अल्लाह हमें ईमान भी अता फ़रमाए और हमारे ईमान और इस्लाम की हिफाजत भी फरमाए रबान अल्ला